वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और आज हम जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में सोलर सेल के बारे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको सोलर पावर प्लांट के बारे में पढ़ाया था और सोलर पावर प्लांट के बारे में पढ़ने से पहले हमें किसे पढ़ना चाहिए? सोलर सेल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आपको सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन नहीं पता तो सोलर पैनल आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको सोलर सेल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये डायग्राम हमने बनाया है सोलर सेल का। सोलर सेल का डायग्राम, जिसे फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, ये डायग्राम इसीलिए यहाँ पर बनाया गया है कि आप इसके कंस्ट्रक्शन को और इसकी मेथड को समझें कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम क्यों सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही यूज कर रहे हैं? तो देखिए, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, और मेन टॉपिक है सोलर सेल। सोलर सेल के बारे में यदि हम पढ़ें तो सबसे पहले सोलर सेल वोल्टेज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सोलर सेल एक्चुअल में किस पर डिपेंड करता है इसका वोल्टेज? सेमीकंडक्टर मटेरियल के नेचर पर। अब ये जो है सोलर सेल, सेमीकंडक्टर मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये जो मटेरियल है कौन कौन से हैं? सोलर सेल का जो वोल्टेज होता है, जनरेशन वोल्टेज, इस सोलर प्लेट में, ये सोलर सेल दिख रहा है आपको, यहां पर पी टाइप और यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल रहे हैं। इन दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो वोल्टेज जनरेट होगा ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोलर सेल जितना वोल्टेज आपको जनरेट करके देगा ये 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक आपको जनरेट करके देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू 0.5 वोल्ट मिनिमम से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 1 वोल्ट जनरेट करके देगा। अब ऐसा कैसे? देखिए, यहाँ पर यदि मैं ऐसे डब्बे खींच दूँ, दिख रहा आपको, मैं इस टाइप से ऐसे डब्बे बना दूँ, इस टाइप से डब्बे बना दूं, यहां से ऐसा डब्बा बना दूं, यहां से इस टाइप से डब्बा बना दूं, ये डब्बा बन गया। तो ये जो एक डब्बा है, इस एक डब्बे में वोल्टेज कितना जनरेट होगा बेटा? 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में। अब यहां पर ये एक डब्बे में 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ये डिपेंड करेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल पर। अब यहां पर जो मटेरियल्स आप यूज करेंगे, एक्चुअल में हम किसका यूज करते हैं बेटा? सिलिकॉन का, और सेकंड में जर्मेनियम का। तो सिलिकॉन का मैक्सिमम यूज किया जाता है और जर्मेनियम का भी मैक्सिमम रूप से यूज किया जाता है, क्योंकि ये दो सेमीकंडक्टिंग जो मटेरियल है ये सभी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से अच्छे होते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टी है, आप यदि इसका आप डायग्राम देखेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टी है अन्य सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से अच्छी होती है। अब ये जो कैडमियम सल्फेट है और गैलियम आर्सेनाइड है, ये दोनों को मिलाया गया है, एक है कैडमियम और दूसरा है सल्फाइड। तो कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड को, दोनों को जब मिलाते हैं तो ये किस सिचुएशन में बनाया जाता है? जब हमें अधिक वोल्टेज चाहिए, जब हमें अधिक वोल्टेज का प्राप्त करना हो, सिचुएशन ऐसी हो हमें अधिक वोल्टेज प्राप्त करना है, तो मैंने आपको बताया था डोपिंग करना होगा, और डोपिंग करके हम क्या करेंगे? एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे न्यू सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलेंगे। तो नया सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में, जिसमें कैडमियम और सल्फाइड और गैलियम और आर्सेनाइड, ये दो ऐसे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हैं जिसमें डोपिंग करके हम अधिक वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम में वोल्टेज आपको कम मिलेगा, लेकिन कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड, ये दोनों को यदि आप मिलाते हैं तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज आप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब 1 वोल्ट के आसपास, नियर बाय 1 वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से ज्यादा वोल्ट कौन देगा बेटा? कैडमियम और गैलियम आर्सेनाइड।
इसका जो आउटपुट पावर है, ये आउटपुट पावर भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आउटपुट पावर किस पर डिपेंड करेगा? इस प्लेट पर डिपेंड करेगा। अब प्लेट का जो साइज होगा उस पर डिपेंड करेगा, मतलब एरिया, आप प्लेट का जो एरिया होगा उस पर डिपेंड करेगा। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो तीव्रता होगी, प्रकाश की तीव्रता, ये इस पर डिपेंड करेगी, प्रकाश की तीव्रता पर। क्योंकि इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर जितने तीव्रता से प्रकाश पड़ेगी उस हिसाब से ये प्लेट हीट होगी और इससे इलेक्ट्रॉन इमिशन होंगे। उसके बाद देखेंगे आउटपुट पावर इसका कितना होता है, मैक्सिमम 1 वाट होता है। तो आउटपुट पावर इसका इस प्लेट का लगभग कितना हो जाएगा, 1 वाट, मतलब 1 वाट का जो है इसका आउटपुट पावर होता है सोलर सेल का, ठीक है। आउटपुट करंट की बात करें तो आउटपुट करंट ये भी पूछा जाता है 30 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर, मतलब यहां से करंट जब सर्कुलेट होगी तो ये करंट का मान कितना हो जाएगा बेटा, 30 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर तक, मतलब इतने एम्पियर की करंट एक एक डब्बे से, एक एक सेल से फ्लो होने लगेगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए सबसे पहले चलते हैं इस प्लेट पे। ये प्लेट में आप देखेंगे तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये क्या है बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, मेजॉरिटी कैरियर किसकी होगी, होल्स की होती है। पी में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर किसकी होती है बेटा, होल्स की होती है। और होल्स को हम किससे शो करते हैं, पॉजिटिव से शो करते हैं, ठीक है। होल्स को पॉजिटिव से शो करते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, होल्स की होगी। पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में सबसे ज्यादा होल्स की संख्या ज्यादा होगी। वैसे एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में सबसे ज्यादा किसकी संख्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की होगी। सबसे ज्यादा किसकी संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और होलों की संख्या कम होगी। और पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में होल्स की संख्या ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। अब इन दोनों के बीच में देखिए यहां पर एक लेयर है, एक बैरियर है, एक जंक्शन है। इन दोनों के बीच में दिख रहा है ना आपको, इन दोनों के बीच में एक बैरियर है, एक जंक्शन है। अब यहां से देखो, जब सूर्य का प्रकाश इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर पड़ेगा तो सबसे पहले ऊपरी लेयर किसकी बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की, ठीक है, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की। तो यहां पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहां पर हमने कुछ लगाया हुआ है, ये क्या है बेटा, डायोड्स। ये क्या है बेटा, डायोड्स यहां पर लगाया गया है। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को ऐसा रखेंगे एक के ऊपर एक, कैसे रखेंगे बेटा, एक के ऊपर एक, एक लेयर नीचे दूसरी लेयर ऊपर। तो यहां पर जब पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, इसको यहां कर देना, ये पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। तो इसकी मेथड क्या होगी, मेथड कैसा याद रखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर, ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने सबसे पहले लेयर कैसे बिछाए, पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और उसके नीचे एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, मतलब सबसे पहले नीचे में एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, हमने बिछा दिया। अब क्या करेंगे, जब सूर्य का प्रकाश इस पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर पड़ेगा तो जब लाइट या सूर्य का प्रकाश पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर पड़ता है तो इसकी जो एनर्जी है वो एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल तक जाती है। सूर्य का प्रकाश ऐसा भेदेगा ना, मतलब
ये पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होगा और ये क्या हो गया बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो सूर्य का प्रकाश जब पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को भेदते हुए एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल तक जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये पूरी प्लेट क्या हो जाएगी बेटा, गर्म हो जाएगी। पूरी प्लेट गर्म हो जाएगी क्योंकि ये प्लेट किसकी बनी हुई है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है। तो तब क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इमिशन होने लगेंगे, उत्पन्न होने लगेंगे। चलिए कैसे होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल हो जाएगा वो हाई हो जाएगा क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो यहां से आपको पता है करंट का फ्लो किसके कारण होता है, करंट का फ्लो किसके कारण होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो जब करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी कैरियर कौन से टाइप मटेरियल में है, एन टाइप मटेरियल में है। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है इससे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने लगेंगे और एनर्जी लेवल बढ़ने के कारण, देखो सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो ये जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें फोटॉन होता है, उसमें क्या होता है बेटा, फोटॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, एंटी पार्टिकल्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, एंटी पार्टिकल। तो जब सूर्य का प्रकाश इस एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर पड़ेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा उसका एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल हाई होने के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से निकलेंगे इस टाइप से और कहां पहुंचेंगे, लोड तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे बेटा, लोड तक पहुंचेंगे और इस लोड से करेंट सर्कुलेट होते 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 ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और इस लोड से होते हुए करंट सर्कुलेट होते 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 कहां पहुंच गया, पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के रीजन में, पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के रीजन में। तो यहां से फिर ये पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होल क्या करेंगे, यहां पास करेंगे और यहां से फिर ये सर्कुलेशन सिस्टम चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा, जब सूर्य का प्रकाश ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के एनर्जी लेवल को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को जब तक बढ़ाकर रखेगा तब तक करंट सर्कुलेट होगी। मतलब जब तक ये प्लेट गर्म होगी, हीट होगी, तब तक एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा और एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा तो करंट यहां से सर्कुलेट होने लगेगी। तो इस टाइप से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से निकलकर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से निकलकर करंट सर्कुलेट होती है पी टाइप में और फिर यहां से ये जो होल्स हैं मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से ये बैरियर को भेदते हुए फिर एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के रीजन में आते हैं और यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर मूवमेंट करने लगता है। ये इस टाइप से सर्कुलेशन सिस्टम चलता है। तो इसकी जो मेथड है ये मेथड मैंने यहां पर लिख दिया है। सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की पतली लेयर को चढ़ाते हैं। सेकंड, जो सूर्य की लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर पड़ता है तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पर पड़ा सूर्य का प्रकाश और इसकी जो एनर्जी है वो एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल तक जाती है। तो यहाँ से ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें मेजॉरिटी करियर होल्स हैं ये इस बैरियर को भेदते हुए कहाँ पर आते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की लेयर पर आते हैं। अब इनका एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है तब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल और बढ़ गई। तो यहां से जब एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी तो क्या होगा बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से निकलकर यह पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की ओर फ्लो होने लगेगी। इस टाइप से सर्कुलेशन इनका होने लगेगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से सर्कुलेशन होने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई है। और ये कब तक होगा, जब सूर्य का प्रकाश इसकी तीव्रता अधिक होगी तब तक ये चलता रहेगा।
और इस टाइप से सोलर पैनल के एक एक खाने में, ये सोलर पैनल का एक एक जो खाना है ये एक एक डब्बे से करंट सर्कुलेट होती है। कहने का मतलब ये है, यदि यहाँ पर ऐसे चार डब्बे बने हुए हैं, ये तीन हो गए और ये चौथा डब्बा हो गया, तो इन डब्बों में आप देखेंगे, ये हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन है, पहला पी एन पी और एन पी और एन है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, एन टाइप ये तीनों क्या होंगे, एक साथ जुड़े होंगे, पी टाइप ये एक साथ जुड़े होंगे। अब यहाँ से जो सप्लाई निकल के आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, अब इस टर्मिनल से क्या करेंगे बेटा, हम बैटरी को सप्लाई देंगे, बैटरी चार्ज होगी, ये जो पावर मिल रहा है ये इससे क्या चार्ज होगी बेटा, बैटरी चार्ज होगी या यहाँ पर बल्ब लगा सकते हैं आप, क्योंकि करेंट का सर्कुलेशन इस टाइप से होगा, ठीक है, यहाँ से करेंट इंटर करेगी और यहाँ से करंट आउट होगी, और यहाँ पर आप या तो लैंप लगा लें या बैटरी को चार्ज कर लें और फिर इस पावर को बैटरी से कनेक्ट करके और अदर जगह यूज कर सकते हैं, आप स्टोरेज करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से प्लेट को जोड़ा जाता है, एक एक खाने को कनेक्शन अंदर अंदर किया जाता है, ये सब अंदर अंदर कनेक्शन रहते हैं, पी टाइप का पी से, एन का एन से, और फिर बाहर से एक दो वायर निकलता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल का एक नेगेटिव टर्मिनल का, और उसके बाद इसको जो कंट्रोल रूम होता है या कंट्रोल सर्किट होता है उस कंट्रोल सर्किट को सप्लाई दिया जाता है। इस तरीके से सोलर प्लेट बनती है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। इस सोलर प्लेट की यदि इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मिलेगा 10 से 15%, टोटल लाइट का 15% इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट प्राप्त होता है, मतलब मानकर चलिए 100% सोलर प्लेट के ऊपर लाइट पड़ रही है, तो इस सोलर प्लेट का कितने परसेंट बेटा, 15% सिर्फ, 15% यूज करते हैं हम, तो सोलर प्लेट का 15% हमें आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। अभी वर्तमान समय में, अभी जैसे आपने देखा होगा, आपने MRI किए होंगे, CT स्कैन करते हैं, या फिर आपने देखा होगा एक्सरे करते हैं, तो एक्सरे की जैसी फिल्म होती है वैसी ही फिल्म अब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के रूप में बनने लगा है। आप अपने छत पर जैसे कि आप एक्सरे कराते हैं उस टाइप की फिल्म को अपने छत में लगा दीजिए, वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो अभी रिसेंटली लेटेस्ट में आपको बता रहा हूँ, पहले हम क्या करते थे, सोलर प्लेट्स को लगाते थे, लेकिन अभी कम रेट में अच्छे काम के लिए फिल्म आ गई है, उसको छत पे लगाइए आप, और जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो काम तो यही होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। अभी रिसेंटली नई टेक्नोलॉजी जो है, जर्मनी ने ये इजाद की है कि सोलर प्लेट न लगाते हुए सीधे फिल्म लगाओ छत के ऊपर, पानी बारिश में भी वो ख़राब नहीं होगा, इस टाइप से इसको इंस्टॉल किया गया है। अभी न्यू टेक्नोलॉजी की बात करूं मैं तो, आपको इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। रिसेंटली हमारे इंडिया ने भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के लिए रसिया से हेल्प मांगा है कि हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का प्लांट अपने इंडिया में लगाएं, अभी कल परसों की बात है, आप देखेंगे तो, ठीक है। अब ये जो है इसकी जो लाइफ क्या है बेटा, लॉन्गर है, 40 साल 50 साल 30 साल 20 साल देखना नहीं पड़ता इसको, एक बार आपने प्लांट लगा दिया, एक बार आपने प्लेट लगा दिया, एक बार पूरी सर्किट आपने बना लिया, कनेक्शन कर दिया, 20 साल 30 साल तो देखना नहीं पड़ेगा आपको। तो इसकी इफिशियंसी भी पूछ लेता है 10 से 15%, ये इसकी मेथड है, इस प्लेट के अंदर क्या होता है ये इसकी मेथड है, ये मेथड आपको याद करना होगा, क्योंकि ये मेथड आपको पता नहीं है तो फिर आप सोलर पैनल को कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ये आपको पूरा सर्किट सिस्टम पता होना चाहिए, क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपको सोलर सेल के एक एक पॉइंट आपको याद करना है, ये डिपेंड इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सोलर सेल का वोल्टेज कितना होता है ये एग्जाम में पूछ लेता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कौन कौन से मटेरियल सोलर सेल में यूज किए जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
ठीक है, अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किस सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। आउटपुट पावर सोलर सेल के प्लेट से आउटपुट पावर किस पर डिपेंड करेगा, तो ये तीन ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा, इनमें से सभी, तो आपको क्या लगाना है, इनमें से सभी। फिर आउटपुट करंट कितनी होती सोलर प्लेट की, सोलर सेल की 30 से 40 मिली एम्पियर, ये पूछा जाता है। इफिशियंसी 10 से 15% होती है, ये भी पूछा जाता है। इसकी लाइफ लॉन्गर होती है, और इसका मेथड और ये इसका डायग्राम एग्जाम में थ्योरेटिकल पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।